अरे आराम से यार, स्लीपर क्लास का हाल, ये तो जनरल से भी ज्यादा हाल बेहाल हो रहा है। और इधर टीटी साहब ने शुरू कर दिया अपना काम, पर्चियां काटना। तो अभी भाई इमरजेंसी से अंदर घुसेड़ा जा रहा है, इतना आराम तो चलिए भाई, आराम से। ये लो भाई, किसी का जूता भी रह गया प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की इतनी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नई ट्रेन जर्नी में। आज की जर्नी हमारी होने वाली है न्यू दिल्ली से बिहार के बीच चलने वाली वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन, ट्रेन नंबर 12392 श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो द कैपिटल इंडिया न्यू दिल्ली को कनेक्ट करती है बिहार के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट राजगीर। और न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन के डिपार्ट होने का टाइम है 1:05 इस समय टाइम हो रहा है, सुबह का 11:37। तो अपनी एक जर्नी खत्म हुई है, तो सुबह सुबह भाई स्टेशन पर आ गए, तो बाकी आज ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो हल्दीराम से अपने ब्रेकफास्ट पैक करा लिया है। चलते हैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च में, ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और भाई सकल पर मच जाइए क्योंकि बहुत बेकार हालत है। बैक टू बैक लगातार जर्नी कल चल रही है, बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। और इसी के साथ अगर हमारी और आपके इस चैनल पर पहली मुलाकात है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो टाइम देख लीजिए भाई, 12:32 पर अपना डिपार्चर है श्रमजीवी सुपरफास्ट का। लेकिन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है बनारस सुपरफास्ट, और इधर लगी हुई है तेजस, और क्राउड देख लिया भाई श्रमजीवी के लिए। अब जितना ये क्राउड दिख रहा है आपको, दूर दूर तक सिर्फ श्रमजीवी एक्सप्रेस के लिए। तो देखते हैं भाई कितनी देर पहले ट्रेन लगाई जाती है अपने ऑन टाइम डिपार्चर से। तो टाइम देख लीजिए, 1:01 अपने ऑन टाइम, तो 4 मिनट डिपार्चर से बिफोर श्रमजीवी एक्सप्रेस को नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगाया जा रहा है। और इधर टीटी साहब ने शुरू कर दिया अपना काम, पर्चियां काटना शुरू कर दी है भाई लोगों की, देखिए। और ये है अपनी श्रमजीवी सुपरफास्ट। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग नहीं पाई है, जनरल में चढ़ने वालों की भीड़ देखिए भाई, मारामारी शुरू हो गई है सीट लेने के लिए, देखिए गेट भी नहीं खुले हुए इधर। ये देखे भाई इमरजेंसी विंडो से लोग अंदर घुस रहे हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात आराम तो चलिए भाई, अरे आराम से यार, आराम से। ये लो भाई, किसी का जूता भी रह गया प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की इतनी ज्यादा वो थी भीड़, इतनी ज्यादा है इधर, ग्राउंड देखिए भाई साहब, विंडो इमरजेंसी से लोग अंदर घुसने को तैयार हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। क्या हो क्या रहा है भाई, ये चलो बच्चे को भी भाई इमरजेंसी से अंदर घुसेड़ा जा रहा है, इतना ज्यादा गेट पे क्राउड है, छोटे छोटे बच्चों को भी भाई इमरजेंसी सीट्स इमरजेंसी विंडो से अंदर घुसेड़ा जा रहा है। और इधर देख लीजिए, और ये है भाई स्लीपर क्लास का हाल। बाकी आज श्रमजीवी एक्सप्रेस में अपनी जर्नी होने वाली है, थर्ड एसी में कोच है B5, सीट नंबर है 54, सामने आ चुका है अपना कोच। तो करते हैं एंट्री, देखते हैं भाई कोच की क्या कंडीशन है, क्योंकि इस ट्रेन को 2 महीने पहले इसके LSB कोच अलॉट हुए, पहले ये चलती थी ICF के साथ, LSB का फर्स्ट इनॉग्रल रन तो अपने लोग कर नहीं पाए थे, तो आज मौका मिला, सोचा क्यों ना आज चढ़ने की जाए श्रमजीवी में। और ये अपना कोच की यार हालत तो भाई बहुत बेकार है, 2011 की मैन्युफैक्चरिंग है इस कोच की। चलिए कोई बात नहीं, जैसे ही आप कोच के अंदर एंट्री करेंगे, बेडरोल वगैरह रखा हुआ, सुबह साफ सफाई होगी ट्रेन की, ट्रेन सुबह ही राजगीर से आई है, बेसिन वगैरह तो अभी साफ है, पानी वगैरह मिल जाएगा। कोच तो भाई ट्रेन तो ऑलमोस्ट नई दिल्ली से ही पैक हो चुकी है,
आज का बर्थ है भाई 54 अपर बर्थ। कोई नहीं, करंट में टिकट किया था तो अपर ही मिला। चलिए लगेज रखते हैं पहले, कंडीशन कुछ देख लीजिए भाई। 2011 की मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी पुराना कोच है, लेकिन दो चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं इधर। लो भाई इधर, एक सेकंड, साइड लोअर साइड अपर के लिए कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है। 8 लोग, 2 चार्जिंग सॉकेट, कैसे क्या होगा कुछ नहीं पता भाई। 1:19 अपने ऑन टाइम से ऑलमोस्ट 9 मिनट की डिले के साथ श्रमजीवी का हुआ है न्यू दिल्ली से डिपार्चर। तो करीब 15 मिनट ट्रेन अपनी डिले हो चुकी है भाई। चैन पुलिंग होने के बाद 10 मिनट के लिए ट्रेन को रोका गया था। ट्रेन नंबर 12392 संजीवी सुपरफास्ट को नई दिल्ली से निकले हुआ करीब 10-15 मिनट का टाइम हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपके साथ इस ट्रेन का शेड्यूल, टाइमिंग एंड फेयर शेयर कर देता हूँ। ये ट्रेन नई दिल्ली से डेली दोपहर में 1:10 पर डिपार्ट करती है और नेक्स्ट डे आपको 10:25 पर पहुंचा देती है राजगीर। नई दिल्ली से राजगीर के बीच 1102 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे 21 घंटे 15 मिनट में विद 30 हॉल्ट के साथ। एवरेज स्पीड रहने वाली है 53 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड रहने वाली है 130 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि भाई LHB रैक्स है। जब ICF के साथ चलती तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 130 रहती थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 130 किलोमीटर पर आवर। सामने खड़ी है गोमती एक्सप्रेस और गाजियाबाद में हमारा हो रहा है अराइवल और यहाँ से डिपार्ट कर रही है हरिद्वार दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस। देखिए भाई श्रमजीवी एक्सप्रेस के लिए यहाँ से ट्रेन अपनी ऑलमोस्ट पूरी पैक होने वाली है। इतना क्राउड तो यार न्यू दिल्ली पे भी नहीं था इस ट्रेन के लिए जितना गाजियाबाद में है। न्यू दिल्ली से 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया अपने ऑन टाइम से 15 मिनट डिले के साथ। हम आ चुके हैं द गेट पे उत्तर प्रदेश कहे जाने वाले गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ पर हमारी ट्रेन का होने वाला है 2 मिनट का हॉल्ट। ट्रेन यहाँ से भाई बिल्कुल पैक होने वाली है, इतना ज्यादा क्राउड था ना, इतना तो नई दिल्ली पे भी नहीं था। और इस ट्रेन के जनरल कोच अब सारे पीछे लग गए हैं जिसके लिए पैसेंजर्स में काफी कंफ्यूजन है। तो देखिए भाई भाग दौड़ भी यहाँ पर थोड़ी मच गई है, क्योंकि जब ये ICF थी तो कुछ जनरल कोच आगे लगते थे और कुछ पीछे लगते थे, लेकिन जब से LHB हुई है तब से सारे जनरल कोचेस को पीछे लगा दिया गया है। तो ऑलराइट 2 मिनट का हॉल्ट था गाजियाबाद। टाइम देख लीजिए भाई, ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट डिले हो चुकी है। अगर गाजियाबाद जंक्शन की बात की जाए तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 198 ट्रेन यहाँ पर डेली हॉल्ट करती है, 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 6 ट्रेन होती है यहाँ से टर्मिनेट। आराम से। अच्छा, पीछे चल दिया। पहले से चढ़ जाना चाहिए आपको, इतनी चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं, चलती ट्रेन में आप भी चढ़ा रहे हो इन्हें। टिकट ले लीजिए ये भाई, ट्रेन जब खड़ी होती तो नहीं चढ़ा गया, अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली। एज भी देखिए उनकी, एक बूढ़े थे और एक बच्चा था। ऐसा रिस्क भाई मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लोग लो, ट्रेन छूट जाए दूसरी ट्रेन पकड़ लो, लेकिन भाई ऐसा जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चलते ट्रेन पर तो भाई कभी चढ़ने की कोशिश ना करें। स्पीड चेक करिए भाई, फ्लैट 110 चल रही है श्रमजीवी, फ्लैट 110। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. अपने ट्रेन को कुशेसर रोड पर मेन लाइन पर रोका गया और अभी मैंने लिया है पैंट्री में बनने वाली चाय। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, इसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं भाई चाय पीने लायक है या नहीं। अगर चाय की टेस्ट की बात की जाए तो चाय का टेस्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन यार भाई यह दूध की क्वांटिटी या दूध तो ना के बराबर ही पड़ा है। लेकिन यह है कि अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो तो आप चाय ट्राई कर सकते हैं, क्वांटिटी में मिलने वाली से तो भाई ठीक है, काफ़ी बेटर है। Thank you.
तो अब से कुछ देर बाद हम पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद, और ये जो लाइन देख रहे हैं ये आ रही है मुरादाबाद आपका हरिद्वार की तरफ से। मुरादाबाद जंक्शन यहाँ पर होने वाला है हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट। और मुरादाबाद जंक्शन की बात की जाए तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 202 ट्रेन यहाँ पर डेली हॉल्ट करती है, 22 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 22 ट्रेन होती है यहाँ से टर्मिनेट। बाकी मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो पीतल है ना वो भाई पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। जितनी भी चीजें आपने आज तक पीतल की देखी होंगी वो सब मुरादाबाद की पीतल नगरी से ही इम्पोर्ट होती है। और बाकी टाइम वही हो चुका है 4:10, और पेंट्री वाले ने भाई हमको ब्लॉग बनाते हुए देख लिया, रिकॉर्ड करते हुए, तो लंच तो भाई मिला नहीं क्योंकि आप जानते ही जब इसका फर्स्ट LHV रन था तो जितने अपने भाई लोग हैं उन लोगों ने क्या बवाल काट दिया था पेंट्री में जाकर ओवर प्राइस को लेकर। तो चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट का हॉल्ट है तो स्टेशन से ही ले लेते हैं कुछ हल्का फुल्का खाने को। बाकी भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, जर्नी की अब तक बात की जाए तो जर्नी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ट्रेन अपनी नई दिल्ली से करीब 15 मिनट डिले डिपार्ट हुई थी लेकिन उसके बाद भी मुरादाबाद हमको अपने ऑन टाइम पर पहुँचाया है। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का अपने ऑन टाइम से 20 मिनट डिले के साथ हम आ चुके हैं श्रमजीवी एक्सप्रेस का हॉल्ट नंबर 3 बरेली जंक्शन। यहाँ पर होने वाले हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट। अगर बरेली जंक्शन की बात की जाए तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 12 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 12 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है, डेली 148 ट्रेनों का हॉल्ट है। और बरेली को कहा जाता है झुमका सिटी क्योंकि एक जो गाना आया था 1968 में मेरा साया, उस मूवी में गाना गाया गया था बरेली का झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, तब से बरेली झुमका सिटी के नाम से मशहूर है। कि जो एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा यहाँ की रहने वाली थी, दिशा पाटनी, वो यहाँ की रहने वाली, और एक समय एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स रनवे जो है वो अपने बरेली के त्रिशूल एयरपोर्ट का ही था। इसके साथ बरेली कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है, दरगाह आला हजरत के लिए वर्ल्ड फेमस है, बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है। बरेली का जो पतंग का मांझा है वो भाई बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑल इंडिया सप्लाई होती है बरेली के पतंग के मांझे की। बाकी चलिए चलते हैं, आज अपने लोग अब तक अपने लोग बरेली से कोई जर्नी शुरू करते थे या ट्रेन को डिवोट करते थे लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज हम बरेली को कवर करते हुए अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई खाने पीने में तो कुछ खास मिला नहीं, मैं 2 बिस्किट ले लिए। बाकी यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट और डिपार्चर भी हो चुका है झुमका सिटी बरेली से। टाइम देख लीजिए 5:55, ट्रेन का यहाँ पर जो एक्चुअल टाइम है वो है यहाँ पर 5:30 पहुँचने का लेकिन ट्रेन ऑलमोस्ट 25 मिनट डिले हो चुकी है। नई दिल्ली से 326 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का अपना ऑन टाइम से 15 मिनट डिले के साथ हम आ चुके हैं श्रमजीवी एक्सप्रेस का हॉल्ट नंबर 4 शाहजहांपुर इसको कहा जाता है शहीदों की नगरी। इसके बारे में हमने कई बार आपको बताया कि शाहजहांपुर किसके लिए फेमस है, और शाहजहांपुर जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे छोटी लाइन है जो एक लाइन चली जाती है यहाँ से पीलीभीत के लिए। बाकी आज
इस ट्रेन को मैंने भाई यही डिवोट कर दिया क्योंकि सडन जर्नी करते करते एक धमाकेदार प्लान बन चुका है। वो कौन सी जर्नी हो सकता है वो आपको चैनल में पहले देखने को मिलेगी, बाद में देखने को मिलेगी, ये पहले देखने को मिल सकती है, वो बाद में था पटना तक, लेकिन डिवोट कर दिया, क्या करे भाई, यही है एक ट्रेवलिंग लाइफ, उसमें होता पता रहता कहाँ पे क्या करना पड़ जाए। चलिए इसी के साथ इस जर्नी को, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जर्नी में, एक नए सफर में, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।